पाकिस्तान बार बार हिंदुस्तान पर हमले कर रहा है और सैनिकों के सर काट के ले जा रहा है और प्रवरता पूर्वक पूरे शरीर को छत विछत करके जा रहा है, उसके बाद भी भारत सरकार के प्रधानमंत्री चुपचाप बैठे हैं और सियासत नहीं होनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि जो मामला हो रहा है इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री चुनाव से पहले जिन तरह से कहा करते थे कि 56 इंच का सीना है और सुषमा स्वराज जी ने जो पिछली सरकार में कहती थी कि हम 10 सर काट के लेंगे, आज वो चुप क्यों हैं? आज क्यों नहीं उन्हें जवाब दिया जा रहा है? आज हमारे सैनिकों का मनोबल गिरता जा रहा है लेकिन हमारी सरकार चुप बैठी है। आज इसी के विरोध में हम युवा कांग्रेस ने और एनएसयू ने यहाँ पर जिसे चौराहे पर पाकिस्तान का पुतला जलाकर झंडा जलाकर पूरा विरोध किया है और हमें सरकार से ये कहना है कि अगर आपको हमें सीमा की जरूरत पड़े तो हर देश का एक एक परिवार का एक सदस्य है कि युवा जाने के लिए तैयार है और सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, वो इस पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। अभी भी वक्त है, इस पाकिस्तान को घर में घुस करके जवाब दो, नहीं तो पूरा युवा आंदोलन सड़क पर उतरेगा, पूरा शहीदों के साथ होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की होगी। पैदल लेके गए।